जब मैंने बॉक्सिंग खेल में शुरुआत की थी तो बचपन में ही बड़े भाई ने 96 एटलांटा ओलंपिक में लेंडर पेस जी का मेडल आया था, उनकी हिस्ट्री थी अखबार में, तो उन्होंने वो दिखा के मुझे प्रेरित किया था कि यहाँ तक जाएगा, मेडल जीत के आएगा ओलंपिक में तो मैं तुझे बॉक्सिंग कराऊंगा। सब प्लेयरों से अलग हमें ट्रेनिंग कराते थे, तो उस टाइम पे हम दोनों एक जैसे निकर डालते थे, पीली सी टी शर्ट होती थी दोनों यादी बाजू की, और सर्दी और गर्मी उसी में ट्रेनिंग करते थे। वो तो भगवान जाने की सच्चाई क्या थी, उनको ये था कि इनका ब्रदर अलग से ट्रेनिंग कराता है, क्यों कराता है कि कोच हम हैं, इनका ब्रदर ट्रेनिंग कराता है। तो रनिंग करवाने ले जा रहा था तो पीछे से लड़के बोल रहे थे कि ये पता नहीं क्या करके मानेगा अपने भाइयों के, ओलंपियन बना के मानेगा, और आज आप लोगों को देख के खुशी होती है। तो उसके बाद कंटिन्यू मेहनत करते रहे, सपना जो है बड़ा होता गया, सपने को अचीव करते गए, मेहनत करते गए, आगे बढ़ते गए, और आज का दिन ये है कि आज प्रधानमंत्री के साथ फ़ोटो खिंचवाने के मौके मिलते हैं। आपके सपने बड़े होने चाहिए, खाना पीना तो सब देखिए, आप एक से एक अंबानी के लड़के भी हैं लेकिन आप उसे बॉक्सर नहीं बना सकते, उसके पास सारी फैसिलिटियाँ हैं। भी जूनियर में चैंपियन हो रहा है तो सब जूनियर की एज बची है तो सब मेरी वेट में अच्छा करेगा, सब जूनियर में रिजल्ट देगा, तो मुझे सब जूनियर कैंप में लिया था और फर्स्ट टूर रोमानिया वर्ल्ड कैडेट का लगा था मेरा 2003 में। नमस्ते दोस्तों, मैं सौरभ दुग्गल आप सबका स्वागत करता हूं स्पोर्ट्स गांव में। आज हम आपको मिलवाएंगे ओलंपियन बॉक्सर मनोज कुमार से। मनोज कुमार ने 2012 लंदन ओलंपिक्स, 2016 रियो ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट किया, कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, अर्जुन अवॉर्डी हैं, और एक बहुत ही साधारण परिवार से मनोज आते हैं। इनके पिताजी स्वर्गीय शेर सिंह जी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में सेवादार थे कि पीएन और चौकीदार का उनको एक काम करना पड़ता था, और उसी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में मनोज को डिप्टी डायरेक्टर की जॉब ऑफ़र हुई जो मनोज ने मना करी, क्योंकि ये ऑलरेडी रेलवे में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी हैं स्पोर्ट्स में अंबाला में। मनोज, आपका स्पोर्ट्स गांव में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज, जब आपने बॉक्सिंग शुरू की थी तो कभी सोचा था कि जो आज जिस ज़िंदगी के मुकाम पर हैं, जो लाइफस्टाइल आप लीड कर रहे हैं और जितना आपने नाम किया बॉक्सिंग में, कि ये उतना पॉसिबल था आपके लिए? देखिए, सपने बड़े थे, अगर पीछे कोई नहीं हो तो हम सोच सकते हैं कि आपकी सोच नहीं होगी इतनी लंबी, लेकिन मैं मेरी सोच बताऊं तो ओलंपिक पदक की सोच थी। जब मैंने बॉक्सिंग खेल में शुरुआत की थी तो बचपन में ही बड़े भाई ने 96 एटलांटा ओलंपिक में लेंडर पेस जी का मेडल आया था, उनकी हिस्ट्री थी अखबार में, तो उन्होंने वो दिखा के मुझे प्रेरित किया था कि यहाँ तक जाएगा, मेडल जीत के आएगा ओलंपिक में तो मैं तुझे बॉक्सिंग कराऊंगा। तो उसी दिन से मतलब कि मेरा ओलंपिक पदक का टारगेट था, और कंटिन्यू 2 ओलंपिक उसी कारण मैं खेल पाया क्योंकि लक्ष्य ऊंचा था। बाकी लाइफ करियर की बात करें तो संघर्षपूर्ण रहा, काफ़ी दिक्कतें आई जो एक साधारण परिवार में सभी को आती हैं, और हमारी बात करें तो मेरे फादर आर्मी रिटायर्ड थे, तो उस टाइम में बेसिक की बात करें तो एक ही मतलब कि एक पैंट में से बनाई हुई 2 निक्कर थी जिस पे पीछे टाँकियाँ लगी होती हैं, बचपन में डालते थे, तो मेरे ख्याल से सभी डालते हैं लेकिन हमने तो डाल लिया, सबका पता नहीं। तो मनोज और मुकेश की जोड़ी होती थी, हम दोनों ग्राउंड में इकट्ठे करते थे ट्रेनिंग, क्योंकि हमें बड़े भाई राजेश करवाते थे ट्रेनिंग, तो वो ट्रेनिंग कराते थे। तो हम दोनों, मैं एथलेटिक वालों के साथ ट्रेनिंग करता था, मुकेश जुड्डो वाला के साथ, लेकिन हमें ट्रेनिंग बेसिक फिज़िकल ट्रेनिंग मॉर्निंग में बड़े भाई कराते थे, तो वो अलग से हमें छांट लेते थे और सब प्लेयरों से अलग हमें ट्रेनिंग कराते थे। तो उस टाइम पे हम दोनों एक जैसे निकर डालते थे, पीली सी टी शर्ट होती थी दोनों यादी बाजू की, और सर्दी और गर्मी उसी में ट्रेनिंग करते थे। जैसे मनोज आपने बताया, क्योंकि बहुत साधारण परिवार से हैं और बड़ी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा, जहाँ तक एक रिसोर्सेज की बात है। और जैसे निक्कर थी कि निक्कर से पैंट बना ली, अगर फट गई है तो उसी को सिल के प्रैक्टिस कर ली। और 2010 कॉमनवेल्थ के बाद आपसे एक बार बात हुई थी तो आपने कहा था कि मेरा एक लक्ष्य है या मुझे अच्छा लगता है कि मैं कभी ज़िंदगी में कोई कपड़ा खरीदूँ तो मेरे को उसका टैग ना देखना पड़े कि वो कितने रुपए का भी हो, तो मैं वो ख़रीद सकूं। तो शुरू में उस टाइम सोचा था कि ठीक है, एक ओलंपिक्स की बात भाई ने बताई कि लेंडर पेस का मेडल आया है तो आपने भी मेडल जीतना है, लेकिन एक ज़िंदगी को उस तरीके से एक अपना एक स्टेटस बना पाना कि आज आपका अपना एक अच्छे सेक्टर में घर है, गाड़ी है आपके पास, और कोई भी जो शॉपिंग करने जाते हैं तो प्राइस टैग नहीं देखते हैं। देखिए, हमारी बात करें तो मनोज मुकेश की इकट्ठी जोड़ी स्कूल से इकट्ठी चली है हमारी और इकट्ठी ट्रेनिंग करते थे। मतलब कि 99 और 2000 में मैं फर्स्ट टाइम नेशनल खेला था 99 में। और हमारा बैच था, ये विजेंद्र वाला बैच था मेरा, विजेंद्र जय भगवान, दोनों हम इकट्ठे फर्स्ट नेशनल खेले थे तीनों जने। तो उस टाइम में मतलब कि हम नेशनल कैंप फर्स्ट हमारा 99 में था, फिर 2000 में था। तो उसके बाद मैंने तुरंत आके जब मैं अपने स्टेडियम में आया तो मैंने मुकेश को देखा बॉक्सिंग किट में ट्रेनिंग करते हुए, तो मुझे अचंभा आया कि ये नया बॉक्सर कौन है, बहुत अच्छे पंच मार रहा है। तो पास जाके देखा कि मेरा ब्रदर है, जैसे स्टेडियम आरकेएसडी कॉलेज स्टेडियम में वहाँ पे बीच में बैक कर रहा था। ये कैथल की बात है, कैथल की बात है। वो पंचिंग बैक कर रहे थे और मैं जैसे ही स्टेडियम में कदम रखा और कैंप से आया था तो देखा ये बॉक्सर कौन है, नया आया, बहुत अच्छे पंच मार रहा है, क्योंकि प्रॉपर बॉक्सिंग किट में था। और बॉक्सिंग किट मेरे पास ही थी और किसी के पास नहीं थी वो, क्योंकि पटियाला कैंप में लगा था हमारा, तो वहाँ से 99 बनवा के लेके आए थे मैं और जय भगवान दोनों। तो वो डाले देखा तो मैंने देखा ये वो नया बॉक्सर कौन आ गया। तो फिर मैंने वहाँ जाके देखा कि ये तो मेरा ब्रदर है। तो वो उस टाइम पे हरियाणा का बेस्ट जुडो अवार्डी प्लेयर था। अच्छा। तो लेकिन मुझे आके पता चला कि बड़े भाई ने उसको मेरे लिए बॉक्सिंग के लिए, मेरी बॉक्सिंग के लिए, मेरा पार्टनर के लिए चुन लिया। अच्छा, कि जूडो से बॉक्सिंग में उसको शिफ्ट कर दिया। तो उस टाइम पे हरियाणा का बेस्ट प्लेयर आया था वो, और तुरंत ही मतलब कि जैसे दोनों ब्रदर हम ट्रेनिंग करते थे तो कोचों को ये लगता था कि जैसे मुकेश था वो ट्रेनिंग करता था, जुड्डो वाले कोच को ये लगता है कि ये मकरा है, इसने ट्रेनिंग नहीं की। लेकिन वो तो भगवान जाने की सच्चाई क्या थी। उनको ये था कि इनका ब्रदर अलग से ट्रेनिंग कराता है, क्यों कराता है कि कोच हम हैं, इनका ब्रदर ट्रेनिंग कराता है। तो या तो वो सच्चाई है, वो भगवान ही जाने। और उस टाइम कोच ये भी कहते थे कि ये इन दोनों भाइयों को ले जाता है राजेश, पता नहीं क्या बनाएगा इन्हें। अभी मैं तुरंत लिया, अभी की बताऊँगा, एक फेसबुक पेज पे मैसेज आया था, एक हमारे साथ 6th-7th क्लास में सरकारी स्कूल में था धीरज रावत, उत्तराखंड से। तो अभी वो उत्तराखंड में ही है, पहले वो यहीं पे कैथल में ट्रेनिंग करता था। तो हमारा बेस्ट था कि हम स्कूल क्लास में से बहुत से प्लेयरों को, अपने साथियों को बॉक्सिंग के लिए लेके आते थे, चलो बॉक्सिंग करो, हम भी करते हैं, तुम भी करो। तो उसमें से जब वो बड़े भाई हमें अलग निकालते, वो लड़का मुझे बोला, अब बात हुई तो बोला यार देख लो, बहुत सालों बाद आपकी मेरे से बात हुई है। कैथल में कभी 2001 में 2002 में वहाँ हमारी बात हुई थी, 2000 में या 99 2000 की बात है मेरे ख्याल से। तो बोला उस टाइम पे देखा था आपको और आज बात हो रही है आपसे स्कूल से छूटने के बाद। तो उस टाइम पे जब राजेश साहब को, दोनों भाइयों को कुलतान की तरफ ट्रेनिंग, इसके कुलतान की तरफ रनिंग करवाने ले जा रहा था, तो पीछे से लड़के बोल रहे थे कि ये पता नहीं क्या करके मानेगा अपने भाइयों को, ओलंपियन बना के मानेगा। और आज आप लोगों को देख के खुशी होती है। तो कंटिन्यू ट्रेनिंग चलती रही, बहुत सी बधाएँ आई, क्योंकि बड़े भाई ट्रेनिंग कराते थे तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी थी लोगों में। तो जो सच्चाई है वो तो जो साथ में ट्रेनिंग करते हैं वही जानते हैं। तो उसके बाद कंटिन्यू मेहनत करते रहे, सपना जो है बड़ा होता गया, सपने को अचीव करते गए, मेहनत करते गए, आगे बढ़ते गए। और आज का दिन ये है कि आज प्रधानमंत्री के साथ फ़ोटो खिंचवाने के मौके मिलते हैं। और मनोज, जब आप शुरू में खेलते थे तब कभी कुछ ऐसी दिक्कत आती थी कि पैसा कम है, अगर ट्रेन में जा रहे हैं तो कहीं पैसा बचा लें, अगर बाहर हैं कोई प्रॉपर डाइट ले पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, देखिए मेरे फादर जो आर्मी रिटायर्ड थे तो हमें रूल रेगुलेशन के पक्के थे वो, मतलब कि उन्होंने चाहे कैसे भी किया हो जुगाड़, कैसे भी अपने दोस्तों से यार से किसी से भी लेके मैं मतलब कि पूरा कभी बिना टिकट किराया चलने नहीं दिया, पैसे देकर हमें हमेशा बेचते थे ताकि हमारे बच्चों की वजह से हमें कहीं झुकना ना पड़े और तो सम्मान वाले आदमी। और एक लिमिटेड फैसिलिटी थी, मतलब जितना उन पर पुगता था, लोग जूस पीते थे हम पानी पी लेते थे, कच्ची लस्सी बना के पी लेते थे, तो ऐसा मतलब कि था। लेकिन वही बात है, आपके सपने बड़े होने चाहिए, खाना पीना तो सब देखिए आप एक से एक अंबानी के लड़के भी हैं लेकिन आप उसे बॉक्सर नहीं बना सकते, उसके पास सारी फैसिलिटियाँ हैं। और बॉक्सिंग शूज़ पहले आपने पहली बार अपने कब लिए थे? बॉक्सिंग शूज़ तो मैंने पहली बार मेरे ख्याल से नेशनल कैंप में आने के बाद ही बहुत लेट लिए। तो अपने लिए थे पहली बार या नेशनल कैंप में? नेशनल कैंप में एक ही बार मिले हैं आज तक मेरे ख्याल से डिराज करीम शूज़, या फिर किसी पहली बार इंटरनेशनल टूर्नामेंट में गया जब मिले थे, जब फेडरेशन ने दिए थे। अच्छा हाँ, तो उससे पहले अपने लोकल शूज़ जैसे उस टाइम पे लिबर्टी कैंपस ये चलते थे, ये दिलवा। और आपने कहा कि आपका काफ़ी संघर्षपूर्ण बॉक्सिंग का जीवन रहा, तो किस तरह की कठिनाइयाँ आती थी जब आप बॉक्सिंग शुरू की थी आपने? देखिए बॉक्सिंग में हम माने तो भिवानी का होल्ड रहा है स्टार्टिंग से, तो कैथल से जैसे बड़े ब्रदर थे, मैंने 97 में इनकी स्टेट देखी थी, तो इन्होंने बड़े भाई ने जूनियर नेशनल चैम्पियन और नॉर्थ इंडिया चैम्पियन दो बॉक्सरों को, एक जिंद के थे दीपक साहिद नाम था उसका, और एक रवि थे भिवानी से नॉर्थ इंडिया चैम्पियन, उन दो बॉक्सरों को हराया था इन्होंने करंटली स्टेट में, और नेशनल में सिलेक्शन होना था इनका। वो देखो मैं उस टाइम एथलेटिक करता, बॉक्सिंग में ट्रांसफ़र हुआ था। अच्छा, आप बॉक्सिंग से पहले एथलेटिक्स करते थे? एथलेटिक मतलब एथलेटिक वालों के साथ लोग इंडोनेशिया दो पार्टिसिपेट है मेरे 95 और 96 में एथलेटिक के अंदर, सर्टिफिकेट भी कोसा के पास मिलती है। किस चैंपियनशिप में? स्टेट में। अच्छा। और डिस्ट्रिक्ट में भी मेडल था 3000 में। अच्छा। तो उसके बाद मैंने 97 में जब जैसे मैं बड़े भाई को ट्रेनिंग करते देखता था तो उस नकल करता था, तो घर जाके मतलब कि ट्रेनिंग अपनी जैसे रिप्लाई मूवी देखने के बाद नकल करता है बच्चा, ऐसे ही नकल करता था घर जाके, नकल करता था। तो बड़े भाई मुझे तो वो ये कोशिश करते थे कि वही पंचेस की मूवमेंट हो। हाँ, तो वो कोऑर्डिनेशन बनवा देते थे मेरा, नहीं ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, तो मैं मतलब कि जो बॉक्सिंग शैडो होती है हमारी हवा में पंच, वो मारने लग गया था, और कोऑर्डिनेशन के साथ पूरा, क्योंकि एथलेटिक करता तो कोऑर्डिनेशन था बॉडी का, तो वो करते करते मैं बॉक्सर्स के सामने नकल करने लग गया बॉक्सिंग की। तो वो बोलते हैं आपको आती है बॉक्सिंग? मैं कहा हाँ। तो पुराने बॉक्सर थे, अलवैदी थे, पिटवाने की कोशिश कर रहे थे मुझे, उन्होंने सोचा इसका रिमांड लिवाना है बॉक्सिंग में, तो उन्होंने मुझे ग्लव्स दिलवाए और बोला तेरी फाइट कराते हैं। मेरे से बड़े वेट का था लड़का, 8-10 किलो ज़्यादा था मेरे से वेट, और स्टेट मेडलिस्ट था, तो उसके साथ मैंने फाइट की, और ब्रोंज पता नहीं सिल्वर मेडलिस्ट था उस टाइम का, तो मैंने उसके साथ फाइट की, उसको 1 साइड बीट किया, उसके नाक से खून भी निकाल दिए, और लंबे हाथ थे तो मारे लंबे लंबे पंच जो आते थे, और बिना माउथ गार्ड बिना बैंडेज, तो ऐसे ही करके, और फिर मेरे को बड़े भाई ने वहाँ से कैच किया और बोला करेगा बॉक्सिंग। तो उस दिन का हमारा जो नाता है, जिस दिन लक्ष्य दिया था इन्होंने, गुरु और शिष्य का हो गया, और वो आज तक वही चल रहा है। तो उसके बाद कंटिन्यू जैसे इनको नेशनल नहीं मिली तो ये बड़े उदास हुए, लेकिन इन्होंने मेरे को और मुकेश को उसी टाइम माइंड में ये दे दिया था भाई मेरा मौका चूक गया, लेकिन मैंने को अपने राजेश को था कि भाई मेरे को बॉक्सिंग नेशनल का मौका नहीं मिल पाया, तो मैंने अपने दोनों भाइयों को नेशनल भी कराना है। हाँ, और ओलंपिक्स में भी लेके जाना। बिल्कुल, तो उन्होंने जैसे ही हमें डाला, तो जैसे 2001 और 2002 उसमें मैं और मुकेश दोनों ब्रदर चैम्पियन हुए थे नेशनल चैम्पियन हरियाणा स्टेट में। अच्छा, लेकिन हमें नेशनल का मौका नहीं दिया गया, अनदेखा किया गया। तो उस टाइम पे जब नेशनल का मौका नहीं मिला तो जो हमारे जो कैथल के कोच थे वो भी हमारे साथ ट्रायल में नहीं जाते थे। तो ये अनदेखा इस वजह से था कि भिवानी बॉक्सिंग हब है, तो ये था कि भिवानी का दबदबा होने की वजह से बाकी डिस्ट्रिक्ट इग्नोर हो जाते थे क्योंकि जो सिलेक्शन कमेटी थी वो थी पॉलिटिकल अप्रोच भी थी और जो सेंटर था वो पुराना था और नामी बॉक्सर थे वहाँ से, तो वो होल्ड हो नामी कैप्टन आवाज सिंह थे पुराने वहाँ के एशियन गेम 2 बार गोल्ड मेडलिस्ट, तो उनके वहाँ से मतलब कि पुराने बॉक्सर जो हैं कंटिन्यू वहीं पे थे और साई वहाँ पे थे, साई सिस्टम था मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो वहाँ से मतलब कि फैसिलिटी थी, प्लेयर बहुत ज़्यादा निकल रहे थे, तो उसका हब्बा था। जिंद की टीम भी अच्छी थी और हिसार की टीम भी अच्छी होती थी। तो उसके बाद जैसे हमें 2001 और 2002 में हमारे साथ जब कोच नहीं गया ट्रायल पे हमारी नेशनल की ट्रायल के लिए, क्योंकि कोच का एक बार बच्चा मेहनत करता है कोच के पास, तो कोच का फर्ज बनता है कि अपने बच्चे की ट्रायल पे पहुंचे। तो आप हरियाणा नंबर 1 हुए दोनों भाई, पहली बार 2001-2002 में, लेकिन आपको नेशनल का मौका नहीं मिला। दोनों को मौका नहीं मिला, तो फिर हम हिसार चले गए। हिसार में साई सेंटर खुला था स्टार्टिंग में HAU में, तो तीनों ब्रदर वहाँ चले गए क्योंकि बड़े भाई को भी इग्नोर किया गया था, चैंपियन थे, लेकिन उस इनका कटवा के सिलेक्शन किसी और का करवाया गया। तीनों भाइयों की एडमिशन हो गई थी साई में। तो लेकिन वहाँ पे जो है बड़े भाई का फिजिकल एजुकेशन का पंगा था, कॉलेज में थे उस टाइम, तो इनका फिजिकल वहाँ पे फिजिकल का मतलब कि DN कॉलेज में वो नहीं था, सब्जेक्ट नहीं था। तो ये फिर कोच से बात करके ये बोले, कोच साहब तो बोल रहे थे, बोले कुछ नहीं होता, कोच साहब बोले नहीं गलत काम नहीं, तो ये वापस अपना छोड़ गए, हॉस्टल छोड़ के, और हमें वैसे ट्रेनिंग कराने के लिए वैसे आके बूस्टअप करते थे। और यार जब छुट्टियों में आप घर जाते थे तो वहाँ कर लेते थे। तो आपको पहला इंटरनेशनल कौन सा था? मेरा 2000 वैसे तो 2003 में YMCA इंटरनेशनल टूर्नामेंट इंडिया के अंदर होता था, इंडिया की बॉक्सिंग को ऊपर उठाने के लिए पुराना टूर्नामेंट था, MC होटल वाले कराते थे। लेकिन उसके बाद उसमें चैंपियन हुआ मैं, तो मेरी एज सब जूनियर की बची हुई थी, तो महेंद्र ढाका कोच साहब ने, जो महेंद्र सिंह ढाका हैं वो सब जूनियर के चीफ कोच थे, उन्होंने मेरी एज देखी, भाई ये जूनियर में अपने वेट में फ्लाई वेट में चैंपियन हुआ था, भाई जूनियर में चैंपियन हो रहा है तो सब जूनियर की एज बची है, तो सब मेरी वेट में अच्छा करेगा, सब जूनियर में रिजल्ट देगा। तो मुझे सब जूनियर कैंप में लिया था और फर्स्ट टूर रोमानिया वर्ल्ड कैडेट का लगा था मेरा 2003 में। 2003 में। और सीनियर में आपका पहला टूर्नामेंट कौन सा था? सीनियर में मेरा पहला टूर्नामेंट 2005 में सीनियर नेशनल थी, जिसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल। और इंटरनेशनल कौन सा था सीनियर में? इंटरनेशनल मेरा 2006 में हंगरी का टूर्नामेंट था। तो वो कौन से वेट में आपने किया था? लाइट वेल्टर, 2005 से ही लाइट वेल्टर खेल रहा हूँ, उसमें सेम वेट कैटेगरी में 2005 में नेशनल में। और दिलबाग आपसे एक वेट नीचे थे बड़े? अच्छा, आप 64 kg में थे, दिलबाग 69 में, और उस टाइम विजेंदर 75 kg में थे। तो आपका अपना मैक्सिमम बॉक्सिंग करियर जो है 64 kg वेट कैटेगरी में। 64 के मेरा 2016 तक 64 के वेट कैटेगरी में। तो दोनों ओलंपिक्स आपने 64 kg में, मेरा ओलंपिक रैंक 9 था जी, और वर्ल्ड रैंकिंग मेरी बीच में 15-16 में 2000 मेरे ख्याल से 3 साल 6 वर्ल्ड रैंकिंग रही, और जो 2011 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी उसमें मैंने सेकंड बाउट में वर्ल्ड नंबर 4 को हराया और थर्ड बाउट में एशियन गेम के गोल्ड और सिल्वर मेडलिस्ट को हराया। तो उसमें आप क्वार्टर फाइनलिस्ट हुए थे? क्वार्टर फाइनलिस्ट हुआ था, इंग्लैंड के साथ मुझे 4 स्कोर से मैं पॉइंट रह गया था। और जो लास्ट आपका मेजर टूर्नामेंट रहा 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स, वो आपने 69 kg में खेला? 69 kg में खेला वो, और इंग्लैंड के बॉक्सर जो हालांकि अभी भी वर्ल्ड रैंकिंग 1 है, उनके साथ मैं 9-10 के मुकाबले में आ रहा। उसमें आपका ब्रॉन्ज मेडल था। तो मनोज, अब आप इस टाइम NIS कर रहे हैं, कोचिंग डिप्लोमा है, तो आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है? नेक्स्ट टारगेट यही है कि मेरा जैसे ओलंपिक मेडल सपना था, वर्ल्ड चैम्पियन बनना सपना था, लेकिन मैंने वर्ल्ड चैम्पियन भी हराए, वर्ल्ड मेडलिस्ट भी हराए, ओलंपिक मेडलिस्ट भी हराए, क्योंकि रियो ओलंपिक में मैंने यूथ वर्ल्ड चैम्पियन, यूथ ओलंपिक चैम्पियन और लंदन ओलंपिक के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को हराया था। सेकंड बाउट में ओलंपिक चैम्पियन से आ रहा था जो करंटली ओलंपिक चैम्पियन था, लेकिन अपने नसीब में नहीं मेडल आया, वर्ल्ड चैम्पियनशिप 3 बार क्वार्टर फाइनल रही और अच्छे बॉक्सर के साथ मुकाबला, अच्छी फाइट लड़के आ रहा। लेकिन मेरा सपना है कि हम जो नहीं कर पाए वो आगे आने वाले बच्चे करें। इसीलिए हमने, देखिए कोई भी बड़ा खिलाड़ी कितने भी बड़े नाम उठा ले आप, कोई अपना प्राइवेट पैसा स्पोर्ट्स में नहीं लगाता, लेकिन हम सभी भाइयों ने, हमारा जॉइंट परिवार है, 5 ब्रदर हैं, हम 5 बॉक्सर हैं। चाचे ताऊ के हैं वो और भी बॉक्सर हैं, लेकिन हम जो चाचे मौसी के 5 हैं इकट्ठे रहते हैं, तो हम 5 बॉक्सर हैं। 5 में से 4 सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब पे हैं, 2 हम रेलवे में हैं, सब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में है, एक ब्रदर यहीं पे पास में गांव है एकेडमी के पास में किडमच, उसमें पीएनबी बैंक में है। तो सब ने लोन उठाया और अपना जगह ली यहाँ पे कि बॉक्सिंग से हमें इतना मान सम्मान मिला, बॉक्सिंग से हम इस लायक हुए कि हमारी पहचान बढ़ पाई पूरे वर्ल्ड में। तो हमने ये जगह खरीदी यहाँ पर ताकि बॉक्सिंग समाज को वापस कर सकें, बिल्कुल, ताकि बॉक्सिंग से हमें जो लिया वो बॉक्सिंग को दें। तो जो आपके कैश अवार्ड मिलता था इंटरनेशनल मेडल्स के बाद, कॉमनवेल्थ के बाद मिला, ओलंपिक पार्टिसिपेशन का मिला, तो वो सारा अपने एकेडमी में ही? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए इसी से सब कुछ है, नहीं तो कहने की बात है अब आज सब कुछ है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब साइकिल भी नहीं होती थी पास में। तो आज पीछे को देखते हुए भगवान ने बहुत कुछ दे दिया, 2 रोटी की तमन्ना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, दाल रोटी खाओ प्रभु के। तो आपने अपनी, आपके परिवार में पहली गाड़ी कब आई थी, कौन से साल में? पहली गाड़ी की बात करूँ तो मैं, हमें प्राइज़ में मिली थी 2010 कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड जीतने के बाद, और दूसरी गाड़ी उसके बाद ओलंपिक में खेलने के बाद SX4 मारुति एस। और पहली जो प्राइस वो भी SX4 थी, वो डीजल की थी, और जो 12 में मिली वो पेट्रोल की थी। तो मतलब फिर एक 2010-12 में एक ऐसा टाइम आया कि घर में दो गाड़ियाँ, और पहले जैसे आप बता रहे हैं कि इवन साइकिल तक के भी कई बार पैसे नहीं होते थे। बिल्कुल, साइकिल था ही नहीं। अच्छा, साइकिल था ही नहीं, तो साइकिल एक आया था लेडीज़, वो भी सिस्टर के स्कूल जाने के लिए एक लिया था। अच्छा, क्योंकि भाई पिताजी के लिए 3 एक खिलाड़ी निकालना ही बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। तो हम तो 3-3 भाई थे, तो वैसे भी मतलब कि कभी ये नहीं सोचा कि क्या डाला है क्या नहीं डाला, लेकिन यही बात है ना, दिल खुश है तो आप सब कुछ अच्छा है, दिल खुश नहीं है तो कुछ भी नहीं। हमने कभी ये शर्मिंदगी नहीं महसूस की कि सामने वाला इतने अच्छे कपड़े डाला है आपने इतने बेकार, या आपने सामने वाला इतने अच्छे जूते डाले हैं या आपने इतने हल्के। लेकिन वही बात है ना, दिल खुश होता था, और वही बात है दुनिया क्या बादाम खाती थी, हम पिताजी की देसी डाइट थी, फौजी थे तो बादाम या चने बेके दाल का सूप, चावल का सूप ये खिलाते थे। तो मनोज, आज क्योंकि हमारे ज़्यादातर जो खिलाड़ी हैं वो गांव से निकल रहे हैं, और गांव में और बहुत साधारण परिवार से निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप जैसे खिलाड़ी हैं वो एक तरीके से उनके लिए मोटिवेशन है, एक ब्रांड एम्बेसडर है, तो एक काफ़ी एक इंस्पिरेशन भी रहती है खिलाड़ियों को कि जो चाहे नॉर्मल परिवार से हैं, लेकिन ये कि अपनी मेहनत करते रहें ताकि वो आगे अपने लक्ष्य को वो प्राप्ति करें। बिल्कुल, क्योंकि देखिए आप दूर क्यों जाते हैं, हमारे से लेके देख लिए, देखिए जबकि इस क्षेत्र में जहाँ पे ज़मीन का अच्छा वो है, सब कुछ है लोगों के पास। जो आप भिवानी की बात करोगे तो उस साइड मतलब कि लोग खेल के पीछे पागल है, मेहनत करते हैं, फैसिलिटी सरकार की है, लेकिन वहाँ तो सरकार से फैसिलिटी लेकर बच्चे इतना अचीव कर रहे हैं। यहाँ पे तो लोगों के पास नेचुरली ज़मीन जायदाद अच्छी है इस एरिए में, लेकिन हमारे पास तो वो भी नहीं थी, तो हमने फिर भी मेहनत की और इस काबिल हुए कि आज यहाँ तक पहुँच पाए। तो ये मतलब कि एक बच्चे के लिए, प्रेरणा के लिए बहुत बड़ी बात है, जो छोटे बच्चे हैं कि जो कुछ ना हो के इतना कुछ हो सकते हैं, तो हम तो फिर भी बहुत कुछ हैं। नहीं मनोज, हम दुआ करते हैं कि जो आपका लक्ष्य है, वैसे आपने बहुत कुछ अचीव किया, क्योंकि एक ओलंपियन बनना एक प्लेयर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। आप 2 बार ओलंपिक्स खेले, 2 बार के कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट हैं, अर्जुन अवार्ड ही हैं, तो आगे आपकी अकेडमी से ओलंपिक मेडलिस्ट भी निकले। और स्पोर्ट्स गाँव के साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम।